स्टार भारत के मोस्ट पॉपुलर शो सीरियल निमकी विधायक में ये दिखाया जाएगा निमकी मोनू और चाची के साथ कबड्डी देखने के लिए पहुंचती हैं, लेकिन उसे वहां बैठने की जगह नहीं मिलती है। तभी उसे सोफा दिखता है जो चीफ गेस्ट के लिए लाया गया होता है। निमकी जाकर वहां बैठ जाती हैं, तभी वहां का मैनेजर वहां से हटा देता है। तभी निमकी गुस्से में वहां से जाने लगती हैं, तभी मोनू और चाची उसे रोक लेते हैं। और उधर अभिमन्यु बाबू और स्वीटी हॉस्पिटल से आते हैं, तभी अभिमन्यु बाबू स्वीटी से आराम करने के लिए कहते हैं। स्वीटी कहती है कि आपको याद तो होगा ना कि डॉक्टर ने क्या कहा था। तभी अभिमन्यु बाबू कहते हैं, हाँ हमें याद है, लेकिन आप भारी सामान मत उठाना। तभी स्वीटी कहती हैं, कहाँ हम आपको गोद में लेकर घूम रहे हैं क्या। तभी अभिमन्यु बाबू के मुँह से निकल जाता है कि आप तो बिल्कुल निमकी जी जैसा बोल रही हैं। और निमकी का नाम लेते ही वहां से बहाना बना के फाइल रखने के लिए जाते हैं। तभी स्वीटी कहती है कि आप भी सच्चाई से दूर भागने लगे हैं। तभी वीडियो बाबू कहते हैं, नहीं हम सच्चाई से दूर नहीं भाग रहे, लेकिन निमकी जी को अब हमारी कोई जरूरत नहीं रही। तब स्वीटी कहती है कि हम अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि सीरियल में होता है, और आप निमकी के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। तभी अभिमन्यु बाबू कहते हैं, जब वो शादी के लिए तैयार होंगी तब ना। तभी स्वीटी अपनी हनीमून वाली फोटो दिखाते हुए कहती है, निमकी ने जब उस दिन हमारी हनीमून वाली फोटो देखी थी तो हमने उसकी आंखों में उदासी देखी थी, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि वो भी अपनी जिंदगी में कहीं सेटल हो जाए, लेकिन बब्बू जैसा उसे दोबारा ना मिले। उधर निमकी कबड्डी का खेल इधर उधर से देखने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी वहां एक आदमी को डांट रहा होता है कि गंगा देवी जी भी नहीं आई, और उन्होंने कहा था कि उनका बेटा आ जाएगा, वो भी नहीं आया और कोई फोन भी नहीं रिसीव कर रहा है। मैनेजर की बात निमकी सुन लेती है। तभी मोनू और चाची से कहती है कि आप लोगों को सोफे पे बैठना है, और अपना मोबाइल निकाल कर मैनेजर को बात सुनाते हुए बात करने लगती है। गंगा देवी जी, आपने हमें यहाँ भेजा था, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और निमकी की बात मैनेजर सुन रहा होता है, और निमकी के पास आते ही निमकी को चीफ गेस्ट की सीट पर बिठा देता है, और मिंटू की टीम जीत जाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और शोर मचा रहे होते हैं। और निमकी कहती है कि ये शोर क्यों मचा रहे हैं। और जैसे मोनू और चाची सोफे पर बैठते हैं और मैनेजर कहता है अब गेम खत्म हो गया है, तभी चाची और मोनू कहते हैं कि हम लोग तो कुछ देख ही नहीं पाए। और इधर वीडियो बाबू चुपचाप खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं। तभी स्वीटी आती है और कहती है कि तुम कहीं खोए हुए हो। तभी अभिमन्यु बाबू कहते हैं कि आपने सही कहा, हम खोए हुए हैं। जब से आपने कहा है कि निमकी की शादी करवा दीजिए, हमें ऐसा लग रहा है कि हम निमकी को खो ना दें। हम रिश्ते में इतने आगे बढ़ चुके हैं, फिर हमें ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। स्वीटी कहती हैं, हमने जो निमकी से छीना है हम उसे वापस तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उसे खुश रखने की कोशिश कर सकते। अभिमन्यु जी, रिश्ता तो बनाया जाता है लेकिन प्यार हो जाता है, वो एक आध साल के लिए नहीं, वो हमेशा जिंदगी भर के लिए होता है। स्वीटी की बात सुन अभिमन्यु बाबू उसे गले से लगा लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। इधर मैनेजर कहता है आपका नाम अनाउंस किया जाएगा और आप विजेता को ट्रॉफी देंगी। इससे निमकी और खुश हो जाती है और वो स्टेज पर जाती है और उसका स्वागत किया जाता है, और मिंटू सिंह को स्टेज पर बुलाता है। और जैसे ही मिंटू सिंह उधर देखता है, लेकिन निमकी फिर भी नहीं देखती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार निमकी और मिंटू का आमना सामना होगा या नहीं, ये जानने के लिए आप देखते रहिए सीरियल निमकी विधायक। और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।